नफरत के बीज बो रहे हैं उसका सबसे बड़ा हमको डर है मैं तमाम अपने उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि ये दीवारें और बड़ी होती जाए होती जाए होती जाए और फिर एक वक्त आए कि सिर्फ आपको खूनी खून दिखे ये हमारा मानना है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं हमने भी दुनिया देख लिया है किसी के तकरीर करने से किसी के जलसे करने से किसी के हल्ला बोलने से किसी के फेसबुक पर लिखने से किसी एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ना तो ये रुकेगी ना ये मिलेगी अगर मिल, अगर हमारा ये ईमान है कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में मौत अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में जिल्लत अल्लाह के हाथ में तो फिर गम किस चीज़ का फिर ये जंग किस चीज़ का फिर ये लड़ाई किस चीज़ की प्यार को बांटते रहें सब ठीक हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यकजहित यकजहती है तो उस चीज़ को बांटने की कोशिश कीजिए इकट्ठे हो जाइए इस तरह से हाथ बांध के चलिए तो मज़ा तो तब है कि पहाड़ी गुजर का हाथ बांध के पकड़ के लेके चले और पहाड़ी का गुजर हाथ पकड़ के लेके चले और आगे बढ़ते रहें तो तरक्की भी उसी में है अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए उन पे फोकस कीजिए और बच्चों को मैं यूथ को कहूँगा कि आप लोग इस दलदल में मत फंसीएगा इन नफ़रत के खिलाफ खड़े हो जाइए कोई कास्ट कोई कलर कोई रिलीजन कोई इशू नहीं है ये खून आपका और मेरा एक है इस खून के देखने की कोशिश कीजिए और इकट्ठे होकर अपने देश की तरक्की में अपना एक नमाया किरदार अदा कीजिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े ड्रीम सोच के रखे हुए हैं मुझे वो दिन भी याद है कि जब एक बच्चा बारिश में बाहर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है तो माँ तड़प उठती है और दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है इंतज़ार करती है उस बारिश में कि मेरा बच्चा भीग रहा होगा ये याद रखिएगा कि अगर मां आपकी ने ड्रीम लेके रखा है आपके फ्यूचर के लिए तो फिर आप इन इन बुराइयों में मत जाइएगा आप सिर्फ प्यार को बांटिए और अपने कैरियर को स्ट्रांग कीजिए पढ़िए रात दिन काम कीजिए और बाप के हाथों को देखा करें कि किस तरह से उनके हाथ जो है वो छाले पड़ गए हैं काम कर कर के मजदूरी कर, कर कर के मेहनत कर करके आपको पढ़ाने के लिए करें और माँ के हाथों को भी देखिए कि उसके हाथ ऐसे खड़े हैं आपके फ्यूचर के लिए ये कंसेप्ट लेके चलिए तो इन ना तो हमारे इलाके में नफ़रत होगी ना इलाके में कोई डिफरेंसेस आएंगे ना हमारे इलाके में कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई अल्फाज आएगा किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई एक कम्युनिटी के बंदा दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बात करे वो बात करेंगे तो सिर्फ प्यार की बात करेंगे वो बात करेंगे तो सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे कंट्रोवर्सी पे आपके सामने कुछ गुजर पॉलिटिशियंस को भी मिलवाया कुछ पहाड़ी पॉलिटिशियंस को भी आपसे मिलवाया दोनों अपनी अलग अलग राय रखते हैं एक कम्युनिटी कहती है क्या हमें पहाड़ी देनी चाहिए दूसरी कम्युनिटी कहती है पहाड़ी नहीं देनी चाहिए लेकिन उसी टॉपिक पे बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो सियासत से कई हद तक दूर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सर बहुत से सवाल पैदा होते हैं बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं अलग अलग कम्युनिटी के या कुछ कहते हैं सियासी प्रोपोगंडा है कुछ कहते हैं अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी राय रखते हैं लेकिन अवाम ये जानना चाहती है एक एजुकेशनिस्ट इसको किस तरह से देखता है देखिए हर चीज का एक सेट प्रोसीजर होता है किसी को कुछ मिलना या नहीं मिलना वो एक अलग सा एक इशू है उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है उसके लिए एक फाइल मूव की जाती है उस फाइल को बहुत सारे स्क्रीनिंग कमिटीज उसको स्टडी करते हैं उसकी रिसर्च की जाती है रिसर्च करने के बाद फिर उनके नोट्स आते हैं नोट्स के बाद फिर कुछ लोग पर्टिकुलर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो उस पर अपने कमेंट्स करें और फिर उस कमेंट्स करने के बाद फिर वो गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट उस पर कंसिडर करती है या नहीं कंसिडर करती है ये एक लंबा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में ना ना तो मैं कम कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं ना कोई पहाड़ी कर सकता है ना कोई गुजर कर सकता है ना कोई कश्मीरी कर सकता है वो एक सेट प्रोसीजर है दुख किस चीज का है कि मैं पिछले काफी देर से हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग जिनको अभी इसके बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं है इंक्लूडिंग हम लोग भी उसमें हो सकते हैं वो लोग आके फेसबुक पे पे सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं वो जो कल तक एक ही प्लेट में खाना खाते थे आज नफरत के अल्फाज उनके मुंह से आ रहे हैं ये लमहे है फिक्र अगर एक पहाड़ी है उसके दिल में जब वो किसी गुजर को देख रहा है उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है ये मेरा दुश्मन है ये शायद मुझे एस टी नहीं लेने दे रहा और गुजर है वो पहाड़ी को देख के ऐसा ख्याल करता है ये ये मेरा दुश्मन है है मेरी लेके जाने वाला है। जो कल तक इकट्ठे थे एक ही प्लेट में खाना खाते थे और आज तक राजौरी पुंज का कल्चर जो फेमस था इसी चीज को लेके था भाईचारे को लेके था आज तक कभी भी वहां पे मजहबी लड़ाइय नहीं हुई आज तक वहां पे कभी भी कास्टिज्म पे झगड़े नहीं हुए लेकिन इस माहौल से निकलने के लिए लोगों को और सियासतदानों को किस तरह के स्टेप लेने चाहिए देखिए सबसे बड़ी बात है तो चलो उनकी अपनी एक एक सेट उनका एक इशू रहता है कि वो किस तरह से अपनी चेयर को लेके चलें या अपने जो कैंपेन को करें जहां तक मैं आम लोगों की बात करता हूँ हम लोगों का भाईचारा आज से नहीं हमारा कई सदियों से भाईचारा चल रहा है ना तो कास्ट के बेस पे ना कलर के बेस पे ना रिलीजन के बेस पे ना एरिया के बेस पे हम लोगों में कभी कोई डिवीजन हुआ मैंने पहले ही कहा कि कैटेगरी ये एसटी मिलता है नहीं मिलता है कोई किसी को परसेंटेज ज़्यादा होती है किसी की रिजर्वेशन होती है इसके लिए एक प्रोसीजर है और अगर वो प्रोसीजर में फॉल करते हैं तो जरूर मिलेगा उसको मेरे कहने से रुक नहीं सकता और अगर नहीं मिलने वाला तो हम लोग जितना कोशिश करें नहीं मिलेगा नंबर वन नंबर टू पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना जा रहा हूँ वो यही कह कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह के इशू पे आप फंडामेंटल राइट्स का गलत फ़ायदा मत उठाइए हमें कानून हमारा बहुत बड़ा कानून जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप बोल सकते हैं कुछ भी लेकिन ऐसा मत बोलिए जिससे किसी के दिल को दर्द हो ऐसा मत बोलिए कि जिससे नफरत पैदा हो ऐसा मत बोलिए कि जिससे जो यकसानियत थी जो एक यकजहती थी हमारे हमारे इस्पेली हमारे जम्मू कश्मीर में और इस्पेशली रजौरी पुंछ में उसमें कोई फ़र्क पड़े ये बात सोचने की है और इस बात को ख़त्म अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे नौजवान कर सकते हमारे नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए और हाथों को हाथ पकड़ के ना ऐसे चलना चाहिए उसी में हमारी तरक्की भी है हमारे इलाके की भी तरक्की है और हमारे देश की भी तरक्की है कहीं ना कहीं बात करें फ़ेसबुक की सोशल मीडिया की बाकी साइट्स की जब भी लोग पहले फेसबुक या यूट्यूब को यूज़ करते थे मैक्सिमम लोग फेसबुक को इसलिए यूज़ करते थे कि वहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी कुछ अपने जो अपनों से दूर रहते हैं उनको देखने को मिलता था लेकिन आज जब हम फेसबुक खोलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नफरत का बाजार गर्म हुआ वही दिखता है बहुत से लोगों की ऐसी पोस्टें दिखती हैं चाहे वो पहाड़ी तबके से हों गुजर कब तबके से हों इस तरह की कुछ पोस्टें उनकी आती हैं जिससे साफ तौर पे वो दूसरी कम्युनिटी पे हमला बोलते हैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ भी पास हो गया क्या अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे कोई भी जाके कोई कमेंट पास करे उसको पूरा राइट है लेकिन आज वही लोग उस राइट का मिस भी कर रहे हैं जिससे तो आप लोग जो नफरत पैदा करते हैं आप उनका बैकग्राउंड देखिए आप उनके बारे में रिसर्च कीजिए कि उनका बेसिकली क्या है उनके पीछे क्या सोच है क्यों वो एक दूसरे के खिलाफ इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे कि नफ़रत पैदा हो रही है देखिए जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें निछावर की तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि यह देश यकजहती का देर है ये देश इंसानियत का दे देश है और ये देश प्यार और मोहब्बत को बांटने वाला देश है यह नफरत नहीं चलेगी यह नफरत को कोई नहीं मानेगा इसीलिए हम लोग जो आज समाज में जो यंग लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमको ऐसी बात नहीं करनी है हक अपना देखिए आवाज उठाइए मुझे कोई चीज चाहिए मैं वो मांगूंगा आपको वो चीज नहीं पसंद है तो आप उसके खिलाफ बात कीजिए ये राइट्स हैं लेकिन ऐसा मत कीजिए ना कि कल हम जब किसी एक प्लेटफॉर्म पे आए तो हम आपने सामने ना बैठ सके हम एक दूसरे का चेहरा ना देख सकें जिस तरह के अल्फाज आप लोग पेश कर रहे हैं यहां देखा बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए प्यार और मोहब्बत के साथ आप अपनी अपनी बात रखिए अगर कोई जिसको एसटी मिल चुकी है वो चाहता है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए तो वो प्यार से अपने इशू रखिए सॉलिड इशू रखिए रेफरेंसेस के साथ बात कीजिए कि नहीं नहीं ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लोग डिजर्व नहीं करते और जो लोग जो मांग रहे हैं वो रेफरेंसिस के साथ कीजिए नहीं हम लोग डिजर्व करते हैं हमें भी दीजिए तो उसका एक सेट प्रोसीजर है तो ये नफरत वाले फेसबुक पे व्हाट्सएप पे और इस तरह की चीजें फैला के आने वाली नस्लों क्या व्हाट्सएप और फेस पे लिख लिख के क्या एस्टी और पहाड़ी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी मैंने पहले ही कह दिया कि ये तो जाहिलपन है कि जो ये कहे कि मैं फेसबुक पे या चार लोगों को खड़े करके मैं बोल दूं नहरे लगा दूं कि मुझे दे दो या नहीं दो ऐसा नहीं है मैंने पहले ही कह दिया कि सेट प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत अगर फॉल करते हैं पारी तो उनको 100 परसेंट कैटेगरी मिलेगी एस मिलेगी अगर नहीं करते तो नहीं मिलेगी तो इसमें कोई नहीं है कि मेरे कहने से या किसी दूसरे के कहने से ना तो रुकेगी तो ना मिलेगी अगर प्रोसीजर में वो लोग आ रहे हैं तो मिलेगी तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और मैं जो सबसे जो हमें दुख हो रहा है और जो फिक्र है वो है कि हमारी आने वाली नस्लों के बीच में वो नफरत के बीज बो रहे हैं उसका सबसे बड़ा हमको डर है मैं तमाम अपने उन लोगों से भी दरखास्त करूंगा कि ऐसा मत कीजिए ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि ये दीवारें और बड़ी होती जाए होती जाए होती जाए और फिर एक वक्त आए कि सिर्फ आपको खून ही खून दिखे सर सबसे बड़ा दुख तब लगता है जब आप अपने घर में कोई चीज़ कर रहे हों किसी चीज़ पे बहस कर रहे हों आपको पड़ोसी लोग आपके समझाएं कि आपको लड़ाई नहीं करनी झगड़ा नहीं करना कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि हमारे घर की बात उन लोगों तक पहुँच गई और उनको बुरा फील हो रहा है ऐसी एक स्टेटमेंट कठुआ के सईद चौधरी साहब की से आई उनने ये कहा क्या सांबा की और कठुआ की जितनी हमारी एस टी है उठा के पहाड़ियों को राजौरी पुंछ में दे दो और गुजरों को दे दो प्लीज इस लड़ाई को बंद कर दो तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात नहीं है हमारे खिता के लिए कि आज बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लग रहा है कि राजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ा नफरत का मैदान पैदा होता जा रहा है ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही ये एक एक कठुआ की बात नहीं है बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं आगे वो दोनों कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं उन लोगों को देखिए आम 90 परसेंट लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मेरा घर मेरे घर के साथ में मेरे गुजर बिरादरी का घर है हमारा उठना बैठना मरना जीना इकट्ठे रहा है पहले भी था आज भी है और इन आगे भी रहेगा नाइन्टी लोग जो हैं आज भी एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं प्यार कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो दीवारें खड़ी करना चाहते हैं उन दीवारों को तोड़ने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और ये एक कठुआ की एग्जाम्पल नहीं है आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आज दोनों कम्युनिटी के लोगों को कह रहे हैं कि आप नफरत मत इस तरह उगलिए आप प्यार से बात कीजिए अपनी बात प्यार से रखिए अगर आपका हक है तो मिलेगा अगर आपको नहीं लगता है कि ये आप डिजर्व नहीं करते तो नहीं मिलेगा शफीक मीर साहब जो बी हैं उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दी हालांकि कोई भी जो जो गुजर कम्युनिटी के पॉलिटियंस हैं वो तो कहीं ना कहीं चुप नजर आ रहे हैं लेकिन जो पहाड़ी कम्युनिटीज के थे वो तमाम के तमाम सामने आके बोल रहे थे वहीं शफीक मीर साहब ने एक उसके अपोजिट में एक स्टेटमेंट ऐसी ही दी उन्होंने कहा कि अगर पुंछ को राजौरी को रिजर्व, रिजर्व रिजर्वेशन ना मिलती तो शायद यहाँ पे कॉम का डिंडोरा भी नहीं पीटा जाता तो इस चीज से आप कितनी हद तक मुतफिक हैं कि ये कॉम का डिंडोरा सिर्फ इलेक्शन के लिए पीटा जा रहा है ये चलो एक पॉलिटिशियंस की एक एक अलग सिस्टम है मैंने पहले कह दिया कि सियासी लोग जब वो इलेक्शन होते हैं तो वो स्टेटमेंट्स उनकी आती रहती हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप चाहते हो कि अपने इलाके की तरक्की हो और हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनका फ्यूचर अच्छा बने तो हमें इससे उठ के काम करना पड़ेगा हमें प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी बात को रखना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपकी आने वाली नस्लें सिर्फ डंडे और तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो तो फिर आप स्टेटमेंट दे सकते हो फिर आप इस तरह की बात कर सकते हो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी के इस बयान से किसी को कोई चीज मिल जाए या ना मिल जाए तो फिर आप उठाइए तो ये हमारा मानना है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं हमने भी दुनिया देख लिया है किसी के तक करने से किसी के जलसे करने से किसी के हल्ला बोलने से किसी के फेसबुक पे लिखने से किसी एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ना तो ये रुकेगी ना ये मिलेगी मिलना हुआ तो फिर मैंने कहा कि प्रोसीजर सेट है उस प्रोसीजर में अगर फॉल करते हुए तो जरूर मिलेगा अगर नहीं उसमें होंगे तो नहीं मिलेंगे तो मेरा मानना यही है कि आप लोगों को शांति से अपने इलाके की तरक्की की तरफ देखिए आप अपने नौजवानों को देखिए कि वो आज किस दलदल में फंस रहे हैं किस तरह से सोशल इवल हमारी सोसाइटी में Yeah. पैनीट्रेट कर रहे हैं और हमारे नस्लें के नस्लें तबाह हो रही हैं हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए जाते हैं और वापस उनकी लाशें आ रही हैं इस चीज़ को कोई नहीं सोच रहा है कोई तकरीर नहीं कर रहा है कोई बात नहीं कर रहा है कोई फेसबुक पर नहीं लिख रहा है कोई इस खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है ये जंग लड़ रहे हैं कि नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा ये करेंगे तो ये हो जाएगा ये लमहे फ़िक्र है ये सोचने की ज़रूरत है हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है हमें इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी है किसी के खिलाफ जिससे कि हमारे बच्चों के दिलों में भी नफरत पैदा हो जाए सर एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फेसबुक पे लगातार ये चीजें भी लिखी जा रही हैं। अगर एक कम्युनिटी की से बात करें पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोग ये लिख रहे हैं हमें बहुत जल्द पहाड़ी मिलने वाली है एस टी कैटेगरी मिलने वाली है और बहुत जल्द हमारे बच्चे भी आई बनेंगे क्या आई ऑफिसर बनने के लिए या ऑफिसर बनने के लिए एस मस्ट है क्या एस मिलते ही कोई भी आई या यूपीएससी क्लियर कर लेगा ये गलत स्टेटमेंट है अगर कोई ये कहता है कि हमें आई एस टी मिल के ही आई करेंगे तो ये स्टेटमेंट को मैं फेवर नहीं करता हूँ मेरा मानना यह है कि हम लोगों में पोटेंशियल हमारे नौजवानों में इतना पोटेंशियल है कि हमारा नौजवान अपने टारगेट पे जब अपनी नज़र रख लेगा तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं वो क्वालिफाई करेगा और हाइएस्ट मेरिट में क्वालिफाई करेगा हाँ हमारे वो गरीब लोग जो दूर इलाके में रहते हैं जिनके पास जराए नहीं है उनको कैटेगरी मिलेगी तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा फ़ायदा ज़रूर होगा और मिलना चाहिए मेरा भी मानना है कि अगर वो डिजर्व करते हैं रेफरेंसेस जो ले रही है गवर्नमेंट जो प्रोसीजर है उसमें आ रहे हैं तो उनको मिलनी चाहिए कैटेगरी लेकिन अगर कोई ये कहे कि कैटेगरी से ही हम लोग आईएस करेंगे तो इस चीज को मैं फेवर नहीं करता हूं मेरा मानना है कि हमारे बच्चों में ज्यादा पोटेंशियल है बस उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो हाइएस्ट रैंक में नंबर वन टू थ्री में भी लेके आगे बढ़ सकते हैं हमारे इलाके का नाम और देश का नाम रोशन कर सकते हैं अगर आई एस की बात करें हमारे ख़िताए पीर पंजाल से तीन चार मेन आई एस निकले अगर बात करें शाहिद इकबाल चौधरी साहब की एजाज असद साहब की बशीर हक साहब की तो ये तीन ऐसे नाम निकले बहुत हैं बहुत लिमिटेड हैं लेकिन ये नाम जब निकल के जम्मू कश्मीर में सामने आए तो बहुत बड़े पर्दे पर इन्होंने अपना काम का इजहार किया तो आप एक गवर्नमेंट से ऐसी क्या अपील करोगे कि यहाँ के जो यूथ है यहाँ के जो बच्चे हैं तो क्या इनको ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिनकी बिना पे ये बच्चे ड्रग्स से दूर होकर पढ़ाई की तरफ इन चीज़ों की तरफ तवज्जो तो ज़्यादा दें देखिए मेरा मानना यह है कि आप हमारे नौजवान बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर अच्छा सोचना चाहते हो तो आपको बड़े बड़े अच्छे स्कूल खोलने चाहिए आपको अच्छे इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए आपको अच्छे प्लेटफॉर्म देने चाहिए कि जहां हमारा बच्चा जाए और वो स्टार्ट से आज ही एक टारगेट लेके चले नहीं मुझको इस मंजिल पर पहुँचना है और मेरा मानना यह है कि मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं मंजिल की जस्तुजु में मेरा कारवा है ये हमारे बच्चों में होना चाहिए और वो बच्चा आज से ही टारगेट लेके चले कि मैंने अगर शाहिद इकबाल साहब का नाम लिया कि अगर वो आई एस कर सकते हैं मेंडर से तो मैं क्यों नहीं कर सकता एजाज असद कर सकते हैं कमर उजमा कर सकते हैं बसीर उल्हक कर सकते हैं एक हमारी बहन ने किया वो कर सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो क्यों नहीं हम लोग डिमांड करें कि हमारे पुंछ रजौरी में भी एक बड़ा अच्छा स्कूल होना चाहिए एक ऐसा स्कूल होना चाहिए कि जहाँ पे आप दिन को एकेडमिक्स का पढ़ो और इवनिंग में आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेस लगें आपका कोचिंग हो आपके बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट आएँ और आपको टेक्निक्स बताएं कि ये ये टेक्निक्स हैं कि इन टेक्निक्स को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो आप कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम पास कर सकते हो सिविल सर्विसज के एग्जाम को पास कर सकते हैं ये जरूरत है आज की ज़रूरत अगर है तो यही जरूरत है इस पे भी काम करना चाहिए बाकी मैं आपको साथ में एक बात बता दूं तो सिर्फ यही कहूंगा कि बस दोस्तों प्यार को बांटिए मोहब्बत को बांटिए जो मज़ा उसमें है वो किसी भी चीज़ नहीं ये दौलत ये बंगले ये गाड़ी ये शोहरत ये सब टेम्प्रेरी है अगर कोई लंबे अरसे तक रहने वाली चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है वो सिर्फ और सिर्फ यकजहती यक है तो उस चीज़ को बांटने की कोशिश कीजिए इकट्ठे हो जाइए इस तरह से हाथ बांध के चलिए तो मज़ा तो तब है कि पहाड़ी गुजर का हाथ बांध के पकड़ के लेके चले और पहाड़ी का गुजर हाथ पकड़ के लेके चले और आगे बढ़ते रहें तो तरक्की भी उसी में है अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए उन पे फोकस कीजिए और बच्चों को मैं यूथ को कहूँगा कि आप लोग इस दलदल में मत फंसीएगा इन नफ़रत के खिलाफ खड़े हो जाइए कोई कास्ट कोई कलर कोई रिलीजन कोई इशू नहीं है ये खून आपका और मेरा एक है इस खून को देखने की कोशिश कीजिए और इकट्ठे होकर अपने देश की तरक्की में अपना एक नमाया किरदार अदा कीजिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े ड्रीम सोच के रखे हुए हैं मुझे वो दिन भी याद है कि जब एक बच्चा बारिश में बाहर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है तो माँ तड़प उठती है और दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है इंतज़ार करती है उस बारिश में कि मेरा बच्चा भीग रहा होगा ये याद रखिएगा कि अगर मां आपकी ने ड्रीम लेके रखा है आपके फ्यूचर के लिए तो फिर आप इन इन बुराइयों में मत जाइएगा आप सिर्फ प्यार को बांटिए और अपने कैरियर को स्ट्रांग कीजिए पढ़िए रात दिन काम कीजिए और बाप के हाथों को देखा करें कि किस तरह से उनके हाथ जो हैं वो छाले पड़ गए हैं काम कर कर के मजदूरी कर कर के मेहनत कर कर के आपको पढ़ाने के लिए करें और माँ के हाथों को भी देखिए कि उसके हाथ ऐसे खड़े हैं आपके फ्यूचर के लिए ये कंसेप्ट लेके चलिए तो इन ना तो हमारे इलाके में नफ़रत होगी ना इलाके में कोई डिफरेंसेस आएंगे ना हमारे इलाके में कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई अल्फाज आएगा किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई एक कम्युनिटी के बंदा दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बात करे वो बात करेंगे तो सिर्फ प्यार की बात करेंगे वो बात करेंगे तो सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे उसी में हमारी भी भलाई है हमारे समाज की भी भलाई है हमारे इलाके की भी भलाई है मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में ये नफरत वाली सारी पोस्ट डिलीट होकर यहाँ प्यार और मोहब्बत की पोस्ट हमें देखने में मिलेगी तो नाजरीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे सर एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा हमारे मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें खुदा हाफिज़